क्या वेन्यू में भी ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर लग सकते हैं और क्या नहीं लग सकते? वेन्यू में ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर हाल फिलहाल की जितनी भी एसेसरी सेल आउट होती है सबसे ज्यादा क्वाइट डिमांड वाली एसेसरीज है। इस गाड़ी के अंदर अगर आपने फोल्डेबल लगाना है तो आपको इस मिरर को चेंज करना पड़ेगा। अब एस ऑप्शनल का कस्टमर भी अगर एक ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर मांग रहा है तो आप समझ जाइए कि बेस मॉडल वाले कस्टमर की कितनी ज्यादा डिमांड होता है। वेन्यू ई से ऊपर की बात करूंगा, वेन्यू ई में तो अंदर का ट्रिम भी चेंज होता है, मगर वेन्यू एस और एस ऑप्शनल के अंदर आपके दो मिरर के अलावा आपका देखेंगे दोस्तों। मैंने यहाँ पे कटिंग की है, मैंने कस्टमर का पैनल चेंज नहीं किया क्योंकि पैनल चेंज करना आपकी कॉस्टिंग को बढ़ाता है। मैंने कोशिश ये है कि आपकी कम कॉस्टिंग में मैक्सिमम काम हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सहगल आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल पे सागर सहगल व्लॉग्स पे। हाल फिलहाल में मैंने आपको जितनी वीडियोस दिखाई सब क्रेटा से रिलेटेड दिखाई, क्रेटा के बेस मॉडल में आप क्या क्या मॉडिफाई करवा सकते हैं, मगर इस करंट वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा वेन्यू की मॉडिफिकेशन। मेजोरिटी ऑफ कस्टमर कहते थे सर आप क्रेटा में ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर्स का तो हमें बताते हो, क्या वेन्यू में भी ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर लग सकते हैं और क्या नहीं लग सकते? वेन्यू में ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर हाल फिलहाल की जितनी भी एसेसरी सेल आउट होती है सबसे ज्यादा क्वाइट डिमांड वाली एसेसरीज है। मेजोरिटी ऑफ कस्टमर अपनी गाड़ी में ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर दिखाते हैं। जितनी भी मैंने पिछली आपको वीडियो दिखाई थी वेन्यू या क्रेटा से रिलेटेड, सब मैं बेस मॉडल में ऑटोमेटिक फोल्डेबल लगाता था। आज मैं दिखाता हूँ वेन्यू एस ऑप्शनल का मॉडल जिसके अंदर मैं ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर लगा रहा हूँ। ये नाइट एडिशन मॉडल है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कस्टमर की गाड़ी में एडजस्टेबल तो लगा हुआ है, हमें एडजस्टेबल हटा के फोल्डेबल लगाना है। इस गाड़ी के अंदर अगर आपने फोल्डेबल लगाना है तो आपको इस मिरर को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर मोटर नहीं आती। कई कस्टमर्स की यूट्यूब पे क्वेरी आती है क्या सर हमें नया मिरर लगवाने की क्या जरूरत है, हम इसमें मोटर क्यों नहीं लगवा सकते? सर हमारे पास अलग से सेपरेट इसकी मोटर नहीं आती, हमें पूरा के पूरा मिरर ही चेंज करना पड़ता है। आप अगर मैं आपको इधर आके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये नाइट एडिशन का मॉडल है आपका। इस नाइट एडिशन के मॉडल के अंदर आपका इंटीरियर पूरा ब्लैक है, ये देखिए इंटीरियर पूरा ब्लैक है, स्टीरियो आप देख सकते हैं इसके अंदर, अपर की जो लेयर है ये देखिए ये वाली भी आपकी पूरी ब्लैक है इसके अंदर। इसके अलावा इसी गाड़ी में आपको स्टीयरिंग कंट्रोल के साथ आपको पूरी गाड़ी मिलती है नाइट एडिशन, राइट। अब एस ऑप्शनल का कस्टमर भी अगर एक ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर मांग रहा है तो आप समझ जाइए कि बेस मॉडल वाले कस्टमर की कितनी ज्यादा डिमांड होती है ऑटोमेटिक फोल्डेबल लगाने के लिए। मगर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एस ऑप्शनल एस के अंदर ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर लगाना सबसे आसान है, आप आधे घंटे के अंदर ऑटोमेटिक फोल्डेबल लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें लगता क्या क्या है और उसके बाद बताता हूँ फिटिंग क्या है और लास्ट में मैं आपको बताता हूँ इसका प्रोसेस चलने का कैसे चलता है। आइए सबसे पहले जो आइटम कस्टमर इस गाड़ी में लगाएगा वो लगाएगा आपका मिरर्स। दोस्तों मैं इस मिरर्स की बात आपसे कर रहा हूं, ये वाला मिरर आपका लेफ्ट का है, ये वाला मिरर आपका राइट का है। इस मिरर के अंदर देखेंगे ना ऑप्शंस पूरा सेम है उसकी तरह, उसी की तरह यहाँ पे इंडिकेटर है, मगर इसके अंदर आपका एडजस्टेबल है मगर फोल्डेबल नहीं है। मतलब आप अपने मिरर्स को अंदर से इसको एडजस्ट कर सकते हो मगर आप फोल्ड नहीं कर सकते। ये दो मिरर्स आपके दो नए लगते हैं, वेन्यू का मॉडल आप नीचे का लो या ऊपर का लो सेम मॉडल के आपके मिरर्स लगते हैं। मिरर के प्राइसिंग की बात बताता हूं तो पार्ट नंबर ये है आपके सामने 5840 का आपका मिरर के प्राइसिंग रहती है, पार्ट नंबर मैंने आपको दिखा दिए हैं। दो मिरर लगते हैं, दो मिरर के अलावा वेन्यू ई से ऊपर की बात करूंगा, वेन्यू ई में तो अंदर का ट्रिम भी चेंज होता है, मगर वेन्यू एस और एस ऑप्शनल के अंदर आपके दो मिरर के अलावा आपका ये स्विच भी लगता है। इस स्विच के अलावा दोस्तों इस मिरर को ना आपको पेंट करवाने की जरूरत नहीं है, मैंने इसके पैनल निकाल के बॉडी शॉप में दे रखे हैं पेंट के लिए, मगर आपको इसको पेंट करवाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे ना ये वाला पैनल इसका निकाल के आप इसको निकाल के भी आप इस पे एज इट इज लगा सकते हैं। ये देखिए मैं आपको लगा के दिखाता हूं, ये इस तरफ वाला पैनल है आपका, ये आपका ये बैठ गया, ये देखिए। इसी के साथ मैंने आपको दोनों मिरर्स के बारे में बता दिया, मिरर्स के कवर्स के बारे में बता दिया, मैंने आपको स्विच के बारे में बता दिया। नेक्स्ट आइटम जो अंदर स्विच लगता है मैं आपको दिखाता हूं। आपकी वायरिंग चलती है ऑटोमेटिक फोल्डेबल की, वायरिंग के बाद जो सबसे मेन काम है स्विच आपका यहां लगता है, मैं आपको दिखाता हूं। मेरी बात को समझना थोड़ा ध्यान से, देखिए यहां पे आपको एडजस्टेबल मिला है, मुझे फोल्डेबल का स्विच लगाना है तो इस स्विच को मुझे जब यहाँ इंस्टॉल करना है, मैं आपको दिखाता हूँ, इस स्विच को मुझे जब यहाँ इंस्टॉल करना है तो इस स्विच को मुझे निकालना पड़ेगा और इस स्विच को लगाना पड़ेगा। मगर दोस्तों इसके अंदर
मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पूरे का पूरा पैनल चेंज करवाओ। पूरा पैनल चेंज करवाओगे तो आपकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हमें कम कॉस्टिंग के अंदर मैक्सिमम काम करना है। आप चाहो तो इसके अंदर कटिंग भी करा सकते हो। ये मैंने आपको बिफोर दिखाया है, जब मैं इसकी कटिंग करके दिखाऊंगा तो आपको आफ्टर दिखाऊंगा कि कटिंग कैसे होती है इसकी, राइट। इसी के साथ आपका मैंने ऑटोमेटिक फोल्डेबल के आपको मैंने प्राइसिंग बता दी है, फिटिंग का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। जैसे इंस्टॉल होगा मैं आपको इसका छोटा सा डेमो करके भी दिखाऊंगा। ओके, फाइनली ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर मैंने लगा दिए हैं। जैसे मैंने आपको फिटिंग बताई थी, मैंने वैसे एज इट इज फिटिंग की इसके अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ इसको लगाने के बाद का प्रोसेस। मैंने जानबूझ के इस समय इधर का कवर नहीं लगाया, उधर का कवर लगाया, ताकि आप समझ जाए ऑटोमेटिक फोल्डेबल कस्टम वेन्यू का टॉप मॉडल वाला जो मेरे से लगवाने आया है। अब देखिए आप आगे आइए। देख, मैंने अपने रिमोट के बटन को लॉक प्रेस किया, मेरे मिरर फोल्ड हो गए। अनलॉक प्रेस किया, मिरर खुल गए। दोबारा दिखा रहा हूँ, ये देखिए, लॉक करने पे फोल्ड, अनलॉक करने पे मिरर खुल गए। ये पहला फीचर आपको मिलता है ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर लगाने में। दूसरा फीचर जो आपको मिलता है इसके अंदर, वो मिलता है आपको इस वाले पोर्शन के अंदर, ये वाला बटन मिल जाता है। आप देखेंगे दोस्तों, मैंने यहाँ पे कटिंग की है, मैंने कस्टमर का पैनल चेंज नहीं किया, क्योंकि पैनल चेंज करना आपकी कॉस्टिंग को बढ़ाता है। मैंने कोशिश ये है कि आप कम कॉस्टिंग में मैक्सिमम काम हो, मैंने यहाँ पे कटिंग करवाई है। कटिंग की फिटिंग आप देख सकते हो, देखिए एक्यूरेसी ज्यादा नहीं रहती, 70-80% हम एक्यूरेसी कस्टमर को बता के चलते हैं। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूं। मैंने गाड़ी से दोबारा अनलॉक किया, अनलॉक करने के बाद मैंने गाड़ी की लगाई। अभी मैंने डोर पैनल को क्लोज नहीं किया, जब क्लोज करूंगा आपको तो बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ इसको आपको फंक्शन करके दिखाता हूं। इस वाले कपलर को मैंने इस पे लगाया, आपका कपलर लग गया। अब देखिए आप, प्रेस किया मिरर खुल गया, प्रेस किया मिरर फोल्ड हो गया। इसी के साथ मैंने ऑटोमेटिक फोल्डेबल आपको पूरा दिखा दिया, कैसे हमने कटिंग में काम किया। इस कस्टमर का हमने 8,000 रुपए का पूरा पैनल चेंज नहीं किया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक बटन के लिए पैनल को चेंज करना मुझे नेसेसिटी नहीं लगती। आप सिर्फ इस पैनल को उस गत्ते में से निकाल के खुद भी कटिंग करवा सकते हैं। इन दोनों के अलावा तीसरा फीचर जो ऑटोमेटिक फोल्डेबल लगाते समय आपको मिलता है, वो मैं आपको बताता हूं। मैंने गाड़ी की को बाहर निकाला, मैंने गाड़ी को अनलॉक लॉक कर दिया, राइट। मैंने गाड़ी को अनलॉक किया, आपकी बीच समय गाड़ी अनलॉक करके मैंने इस की को इसके ऊपर रख दिया। आप देखेंगे 30 सेकंड्स के बाद ये मिरर अपने आप फोल्ड आपके हो जाएंगे। देखिए थोड़ा मैं मिरर की तरफ आपको जूम करके दिखाता हूं। जैसी गाड़ी आपकी लॉक होगी, आपके ये मिरर भी इजिली फोल्ड अपने आप हो जाएंगे। इससे क्या होंगे, आपके मिरर की सेफ्टी बनी रहती है। ये देखिए, गाड़ी जैसी ऑटोमेटिक लॉक हुई, आपके मिरर फोल्ड हो गए। तो चाहे तो आप दोस्तों इसको भी अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं। वेन्यू का ई मॉडल ले, वेन्यू का एस मॉडल ले, या वेन्यू का एस ऑप्शन मॉडल ले, या वेन्यू का नाइट एडिशन मॉडल ले, आप किसी भी मॉडल में इसको लगा के अपना यूज देख सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।